delegation. Now the authorization manager says, since we people are not the programmer level, but still we have some authorization managers. मतलब हम programming तो नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ authorization managers settings available हैं. जैसे example के लिए यहाँ के ऊपर अगर आप कोई specifically select करते हैं कोई भी user, आप उसकी property में जाइए. Let's think, आप सोचिए example के लिए. Okay, let's think, आप select करते हैं डायल इन, तो यहाँ पर आपके पास VPN सर्विसेज एंड नेटवर्क एक्सेस परमिशन है, आपने अलाउ एक्सेस दिया. आप क्या कर रहे हैं, यू आर प्रोवाइडिंग, आप ऑथोराइजेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं इस स्पेसिफिक यूज़र को टू एक्सेस नेटवर्क एक्सेस. नेटवर्क एक्सेस कंडीशन ही कुछ भी हो सकता है. टेक एन एग्जांपल, इट्स अ VPN, इट्स अ RIS, आपके पास मीन्स रेडियस सर्वर, टेक एस प्लस सर्वर, आपके पास कोई भी सर्वर है, आप उसे अलाउड कर रहे हैं इन शॉर्ट. So, authorization managers allowed you to be work with this kind of things. So, exactly, ये आपका concept है Windows Server 2003 का, अगर आपका domain function level है तो. I hope you get it. Next one is domain function level of 2008. Actually, जैसे कि आप देख रहे हैं DFL Windows Server 2003 plus dot dot dot, meaning is विंडोज सर्वर 2003 के तो कॉन्सेप्ट है ही हैं. दैट मीन्स उसके जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो तो सपोर्ट करता ही करता है, अगर आप अपना डोमेन फंक्शन लेवल चेंज करते हो 2008 के साथ. तो उसके साथ साथ आपका कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं जो सपोर्ट करेगा. सो वो मैंने डाउन में एक्सप्लेनेशन दिया है, जिसमें सबसे पहला है आपका नेटवर्क में डोमेन कंट्रोलर ओनली एंड ओनली शुड बी Windows Server 2008. उसके अलावा कोई और डोमेन कंट्रोलर को वो सपोर्ट नहीं करेगा. सेकेंड वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, DFS replication, sys volume replication. What exactly it is? अगर आपको याद हो Windows Server 2003 में हमारे पास एक सर्विस हुआ करती थी FRS, फाइल रेप्लीकेशन सर्विस. फाइल रेप्लीकेशन सर्विस आपकी कुछ bandwidth utilization के ऊपर डिपेंड होती थी, और मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है. फॉर अ बेटर एग्जाम्पल दैट, जब भी हमारे पास दो लोकेशन के बीच में कम्युनिकेशन जनरेट हो रहा होता था, तो एक में, जैसे टेक एन एग्जांपल, मेरे पास एक पर्टिकुलर नेटवर्क है, अगेन कंसीडर एज ए नेटवर्क. एक मेरे पास डोमेन है यहाँ पर और एक मेरा डोमेन है यहाँ पर. आई एम सॉरी फॉर द पिक्चर, किसी भी एंगल से वो दिख नहीं रहा है कि वो सर्वर है, बट प्लीज़ आई होप डोंट माइंड. ओके, सो टेक एन एग्जांपल, राइट नाउ इन दोनों के बीच में मैंने यूज़ किया है 512 kbps लाइन्स. 5 इज ऑल्सो लाइक, मैं एक छोटी सी क्लास में, नर्सरी क्लास में पढ़ रहा हूँ. आई एम सॉरी बिकॉज मेरा माउस गिव दिस काइंड ऑफ थिंग्स ओनली. ओके, 512 kbps, वो 512 kbps की लाइन्स पे वर्क कर रहे हैं. और अभी टेक एन एग्जाम्पल, मेरे पास ऑलरेडी 30-40 यूजर्स ऑलरेडी वो रेप्लीकेट मीन्स डेटा रिसोर्सेज एक्सेस कर रहे हैं ऑन द सेम लाइन. अब क्या हो रहा है कि कुछ टाइम के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि दैट फाइल रेप्लीकेशन सर्विस स्टार्ट्स यू नो नॉट वर्किंग, इट स्टॉप्ड ऑटोमेटिकली. ये बहुत बार हुआ है मेरे साथ करते करते, और नेटवर्क का एरर आता है, एफ आर एस सर्विस इज डिसेबल्ड. सो एग्जैक्टली वाई, बिकॉज आपकी जो हैवियर बैंडविड्स हैं वो उनके साथ कंपेटिबिलिटी एक तो बना नहीं पाता है, ऊपर से अगर आपके पास मल्टीपल डेटा रिसोर्सेज चल रहा है ऑन 500 kbps लाइन, सो एफ आर एस की जो बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन की जो कैपेसिटी है वो इतनी नहीं है. सो उस चीज़ को उन्होंने रिजोल्व करके DFS रेप्लीकेशन पॉलिसी, जिसके अंदर आपकी बैंडविड्थ आप एडजस्ट कर सकते हो. जैसे एग्जांपल, स्पेसिफिकली यूज़र लॉगिन रिसोर्सेज को आप देना चाहते हो 256 kbps डेडिकेटेड टू दैट, तो सेलेक्टेड आप दे सकते हो. आप देना चाहते हो रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग 256 kbps फॉर एक्टिव डायरेक्टरी रेप्लीकेशन, आप वो सेपरेटली कर सकते हो. और पर्टिकुलर टाइम ऑल्सो, बिफोर दैट वो कंटिन्यूसली चलता रहता था फाइल रेप्लीकेशन, बट अब आप स्पेसिफिकली टाइम के साथ भी कर सकते हैं. जैसे यू वॉन्ट कि इन द नाइट यू आप किसी यूज़र को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते जो ऑलरेडी लॉग इन है और वर्क कर रहे हैं, सो दैट्स वाई आपने उसको टाइम दे दिया है कि इन द नाइट 1 o'clock to 3 o'clock सब रेप्लीकेशन डन हो जानी चाहिए. सो एवरी डे वो उसी पर्टिकुलर टाइम के साथ वो रेप्लीकेशन डिज़ाइन करेगा. लेटर हम ये भी करेंगे, तो इसके बारे में है. लास्ट लॉग ऑन मैं आपको दिखा चुका हूँ, लास्ट लॉगन का एग्जैक्टली, सो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, तो आई गेस दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है. बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड ग्रेन पासवर्ड्स. वॉट एग्जैक्टली इट इज़,
बेटर मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा एक प्रैक्टिकल के साथ. सो फॉर दैट आई हैव टू मेक अ नेटवर्क सेटअप एंड आई विल बी कम बैक एंड वापस आने के बाद मैं आपके साथ कंटिन्यू करता हूं आफ्टर मेकिंग माय नेटवर्क प्रॉपरली फॉर दिस एंड देन वी विल स्टार्ट द पॉइंट फॉर फाइन ग्रेन पासवर्ड्स. सो वी टॉक अबाउट फाइन ग्रेन पासवर्ड्स. एग्जैक्टली द फाइन ग्रेन पासवर्ड इज व्हाट. सो टेक एन एग्जांपल. आई हैव टू OU. I have number one OU, this is number one OU, and I have some number two OU. As you know, कि अगर आपको कोई बोलता है कि आपको एक password authorities लगानी है, मेरे पास two OU हैं, एक का नाम है जैसे मैंने बताया one and two. अब आपकी company बोलती है यार ऐसा करो कि तुम security password policy apply करो कि जो number one वाले जो manager हैं उनके ऊपर by default आपको पता है जब एक्टिव डायरेक्टरी में यूज़र क्रिएट करते हैं या फिर आपकी कोई सिक्योरिटी लगाते हैं तो वहाँ पर होता है पासवर्ड 7 कैरेक्टर पासवर्ड समथिंग लाइक दैट. अब आपकी कंडीशन अप्लाई ये है कि जो नंबर टू पे जो जो आपका OU है उस स्पेसिफिक OU के ऊपर या स्पेसिफिक कुछ यूज़र्स हैं उन स्पेसिफिक यूज़र्स के ऊपर आपको अप्लाई करना है 12 कैरेक्टर का पासवर्ड मिनिमम. एग्जाम्पल. सो एग्जैक्टली आप क्या करेंगे, आप डोमेन के ऊपर जाके सिक्योरिटी अप्लाई करेंगे. लेकिन अगर डोमेन पर अप्लाई किया है तो वो होल डोमेन पे अप्लाई होगा. यू अंडरस्टैंड माई मीनिंग. मेरा मतलब ये है कि अगर आपको कोई स्पेसिफिकली अप्लाई करने को बोलता है तो डेफिनेटली आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके पास ऑप्शन ये है, लेट्स जंप टू द 2008 सो इट विल बी इजी फॉर अस. सो है क्या, आप यहाँ पे जाएंगे एक्टिविटी एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पर आपके पास डोमेन, आपको इफ़ यू रिमेंबर आपकी डोमेन पॉलिसीज होती हैं और आइदर यू कैन से वी हैव secpol.msc. सो आप सिक्योरिटी पॉलिसी में जाकर मिनिमम जो स्ट्रेंथ आपकी होती है, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ अकाउंट पॉलिसी में बाय डिफॉल्ट पासवर्ड पॉलिसी में क्या है, 7 कैरेक्टर का मिनिमम पासवर्ड है, 42 डेज है, समथिंग लाइक दैट. अगर मैं यहाँ पर कोई चेंजेस करता हूँ तो क्या होगा, तो आपका जो पूरा एंटायर पूरा जो डोमेन होगा उसके ऊपर वो चीज़ अप्लाई होगा. लेकिन अभी कंपनी ने, जैसे मेरे साथ हुआ था, एक कंपनी ने एक हार्ड कोडेड उनकी एप्लीकेशंस थी तो उन्होंने बोला कि यार ये जो हार्ड कोडेड एप्लीकेशन है मेरे को स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग ही एक्सेस कर पाएंगे, करना चाहिए, तो प्लीज़ आप ऐसा कीजिए कि स्पेसिफिकली ये मेरे कुछ यूज़र्स हैं, इन स्पेसिफिक यूज़र पे परमिशन लगाइए कि वो 12 कैरेक्टर का पासवर्ड मिनिमम रखें, अगर कम रखते हैं तो वो एक्सेप्ट ना करें. मैंने कहा यार ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऑफकोर्स अगर मैं कोई डोमेन में चेंजेस भी करता हूँ तो वो पूरे अप्लाइड होंगे, तो मेरे पास वो ऑप्शन नहीं था विंडोज सर्वर 2003 में. एंड टेल यू द ट्रूथ कि विंडोज सर्वर 2008 में भी वो नहीं था, बट जब मैंने इसके बारे में पूरा स्टडी किया देन एक ऑप्शन इन्होंने विंडोज सर्वर 2008 में डिप्लॉय किया है, दैट इज़ फाइन ग्रेन पासवर्ड. तो आप उसके अंदर स्पेसिफिकली आप अपनी मर्जी से पासवर्ड पॉलिसी डिज़ाइन कर सकते हैं एंड पासवर्ड पॉलिसी डिज़ाइन करके आप स्पेसिफिकली ग्रुप्स पे अप्लाई कर सकते हैं. उस ग्रुप में जितने भी मेंबर होंगे, एक यूज़र, दो यूज़र, 1000, 2000, वॉट एवर, ऑटोमेटिकली वो उन सब यूज़र्स पे अप्लाइड हो जाएगी. कैसे, टेक एन एग्जांपल. राइट नाउ एज यू नो आई हैव मैनेजर ऑप्शन. सो राइट नाउ मैं क्या करता हूँ कि एक और आपके सामने जस्ट फॉर यू नो जस्ट फॉर अ सेक ऑफ प्रैक्टिकल आई मेक अनदर OU विद द नेम ऑफ सेल्स. नाउ In this one, I will create a user one. In short, I'll create it with the name of only U1. So it will be easy for you, I guess. Just U1 and simply password. Simply finish. Now, जैसे मैंने कहा कि आप अगर security apply करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख यहाँ पे आपने देखा जब security मैंने command चलाया secpol.msc. तो वहाँ पर आपके पास कुछ सिक्योरिटी थी, कुछ परमिशंस थी एंड वहाँ पे पासवर्ड पॉलिसी थी 7 कैरेक्टर्स की मिनिमम, राइट. कॉम्प्लेक्सिटी ऑन थी, दैट्स ओके, दैट आई ऑल्सो वॉन्ट फॉर द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू. सो कैसे उसे डील करेंगे, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इन शॉर्ट बहुत ही मुश्किल होता है कि अगर आप एक स्पेसिफिकली डोमेन के ऊपर अगर आपको चेंजेस करते हैं तो डेफिनेटली इट्स ट्रू कि वो पूरे एंटायर जो डोमेन फंक्शन या पूरा जो फॉरेस्ट होता है उसके ऊपर अप्लाई होता है. राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डोमेन, तो स्पेसिफिकली इस डोमेन के अंदर जितने भी हमारे OU या यूजर्स हैं उन सब के ऊपर वो पासवर्ड पॉलिसी अप्लाई होंगी. बट कैसे आप स्पेसिफिकली पॉलिसी डिज़ाइन कर सकते हैं, एक्चुअली ये कोई एग्जाम प्रोस्पेक्टस से नहीं बता रहा हूँ, ये जस्ट अगेन अ नॉलेज प्रोस्पेक्ट्स है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थोड़ी फास्ट करूँगा तो इट विल बी ईजी फॉर यू. बट उसको करने से पहले सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, आपको अपना डोमेन फंक्शनल लेवल रेज करना पड़ेगा अप टू 2008. जब तक ये नहीं करेंगे
ये नहीं होगा राइट नाउ. जैसे आपको पता है विंडोज सर्वर 2003 में चल रहे हैं, हम विंडोज सर्वर 2008 पे करेंगे. सो सिंपली रेज, ओके दिस इज द फर्स्ट थिंग. ये सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको अपना फंक्शन लेवल रेज करना है. दूसरा वर्क आपको करना है, जैसे कि अभी हम वर्क कर रहे थे ए डी एस आई एडिट में हम गए थे पहले, आपको वहीं जाना है. वहाँ पर जाने के बाद आपका जो डोमेन है, एज यू सी द इट इज़ कनेक्टेड, द नेक्स्ट स्टेप इज़ जस्ट क्लिक ऑन सेल्स. सेल्स पे क्लिक करेंगे तो बहुत लंबी एक लिस्ट आएगी. इस लिस्ट में आपके पास एक ऑप्शन है दैट इज़ कॉल्ड पासवर्ड सेटिंग्स कंटेनर. आपके पास ये ऑप्शन है. सो यहाँ पर आपको एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है. रिमेंबर दिस, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है अगर आपको पासवर्ड पॉलिसी अप्लाई करनी है. तो जस्ट सेलेक्ट द पासवर्ड क्रिएट एंड यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा MSDS Directory Services Password Settings. Just click on Next. And इसको करने के लिए you should have some knowledge of I8, Integer 8. आपकी कुछ method होता है. There is a one method of the calculations, I8, Integer 8. उस method के अंदर आपकी कुछ calculations आती हैं. So I request to you, मैं आपकी settings पहले कर देता हूँ. Then later you can easily do. So I will show you that how to do, but better because it will take a little bit time. So main pehle se hi karke rakhta hu and then I will come back and I will show you how I did this thing. Just wait. So I already done for you. Exactly as you see, जब आप right click करेंगे तो create object का option आएगा. तो यहाँ पर password settings option जो है, just once you click on next. सो यहाँ पर आपके किस पर्टिकुलर चीज़ पे, जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, आपकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आप सेल्स पासवर्ड का आप ऑप्शन दे दें तो ज़्यादा बेटर है. बिकॉज एज यू नो, अभी अभी मैंने एक सेल्स नाम का OU बनाया है. सो इट्स गुड फॉर अस. सो सेल्स पासवर्ड जस्ट नेक्स्ट. रिमेंबर दिस दिस इंटीजर दैट पासवर्ड सेटिंग लाइक प्रेसिडेंस. एग्जैक्टली पासवर्ड सेटिंग्स की कुछ वैल्यूज़ हैं इंटीजर की, तो जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है. एंड सिंपली रिवर्सिबल encryption enable, that means आपके जो users हैं उनके जो passwords हैं, जब वो password आपके apply होंगे तो क्या आप encryption remove करना चाहते हैं? No, I don't want that. So that's why I select false option. So better I should go for next. Password history length. So last 15 password वो remember रखेगा. Second is very important, complexity. That means the password आपका combination होना चाहिए alphabets, numerics and सिम्बल्स. इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, दैट वुड कॉल्ड कॉम्प्लेक्सिटी. इट विल हेल्प अस टू इंक्रीज द सिक्योरिटी. सो बेटर इश यू शुड राइट डाउन ट्रू हेयर. नेक्स्ट द मिनिमम पासवर्ड लेंथ. एज यू सी, मेरे को कंपनी ने बोला था मिनिमम 12 का कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए. सो आई पुट इट 12 वैल्यू हेयर. एंड मिनिमम पासवर्ड एज, दिस इज द एज अ, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कुछ I8 वैल्यू, इंटीजर 8 वैल्यू. जस्ट फॉर अ सॉर्ट ऑफ आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए, जब भी आप, ये डेफिनेटली सेकेंड्स में तो है नहीं, सो इसकी कुछ कैलकुलेशंस इसकी ऑटोमेटिकली होती है. सो आपको जस्ट इतना याद रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं. जस्ट यहाँ पर आपका माइनस होना चाहिए. कीप रिमेंबर दिस, सर्टेन वैल्यू वट एवर यू वॉन्ट टू पुट, और लास्ट में 9 zeros. अगर आप में कुछ भी माइन्यूट भी मिस्टेक किया, आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा और आपको फिर दोबारा से इश्यूज आएंगे. सो बेटर यू सेलेक्ट लाइक दैट. Just click on next. Same thing, I put some maximum password age, some values and put 9 zeros here again. So I did next. And this is lookout threshold, means automatically user threshold. I put 0 value. And here observation window is the same 9 values after 8 input and the same for lookout duration. Just next and finish. Once it is created, as you see it is created, just close this. Now, next step is you have to go to the specifically user computer, or you go here better. Once you click on roles and then go to the user, and now the very first step you have to do, up better hai agar aapko ye apply karni hai password policy on the specific user, just like I have some user in sales, better you should make a new group. So make a group like a sales group, simply sales group. Domain local security group, it should be a security group. So just okay. Now आप second step कीजिए, इसकी property में जाके और either directly add to a group, sales group. So आपको ये automatically show करेगा, या sales group add कर दीजिए. group add हो गया. next step आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके पास एक advanced option है, और आप या फिर एक ऐसा कीजिए, आप
यूजर कंप्यूटर में जाइए, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से. सो डोमेन पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास सिस्टम ऑप्शन ये, तो व्यू एंड क्लिक ऑन एडवांस्ड फीचर. सो एडवांस फीचर क्लिक करेंगे सो सम ऑप्शन विल कम लाइक दिस सिस्टम. सो सिस्टम में हमारे पास एज यू नो हमने पासवर्ड पॉलिसीज है थी हमारे पास. क्लिक ऑन पासवर्ड सेटिंग्स कंटेनर. सो ये देखिए हमारे पास कुछ अभी जो हमने एक एट्रीब्यूट डिज़ाइन किया था, तो जस्ट राइट क्लिक ऑब्जेक्ट डिज़ाइन किया था, सॉरी जस्ट प्रॉपर्टी. यहाँ पर हमारे पास कुछ है एट्रीब्यूट एडिटर. सो यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू होती है, कीप रिमेंबर दिस इज द पासवर्ड. आई विल शो यू विच वन इट इज. In this one, you have some options. Say as you as I put password 12 or something like that, and here is it is PSO password setting object applies to. Right now it is not set. So just double click on it. Click on add Windows account. And यहाँ पर आपको sales group जो आपका group था वो आपको यहाँ पर ऐड करना है. सो ऑटोमेटिकली सेल्स ग्रुप वंस यू ऐड इट वंस यू अप्लाइड एंड अप्लाइड ओके. सो मीनिंग इज राइट नाउ जितने भी यूज़र आप ऐड करेंगे सेल्स पर्टिकुलरली आपके यूज इसमें जस्ट लाइक दिस जो भी ग्रुप है आपका जितने भी यूज़र ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली उन पे वो पासवर्ड स्ट्रेंथ या पासवर्ड पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी. सो दैट टू बी दैट्स ऑल अबाउट दिस वन लाइक पासवर्ड पॉलिसी. आई होप यू गेट इट.